तो बरसानो जानो नहीं रटो न राधा नाम, तो तेने जानो कहा या बीज को तत्व। इसके बीच सिंहासन तो पत्थर में देखिए, इसमें एक छवि स्थापित है प्रिया प्रीतम जी की। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम आपको जिस दिव्य स्थान की यात्रा पर लेकर के आए हैं वो श्रीधाम बरसाना के अंतर्गत आता है और उस स्थान का नाम है राधा बाग। यही वो बाग है जो हमारी किशोरी जी का बाग है। सर्वप्रथम आप मेरे पीछे जो दर्शन कर पा रहे हैं यही राधा बाग का मुख्य द्वार है। इसी द्वार से राधा बाग के अंदर प्रवेश किया जाता है और यहाँ एक बड़ा सुंदर दिव्य राधा कूप के नाम से एक कुआ है जहाँ से आज भी जल जा कर के किशोरी जी के अभिषेक के लिए यहीं से जल जाता है और किशोरी जी की रसोई आदि का जो भी कार्य होता है वो इसी कुएं के जल से होता है। तो आइए हम और आप चलते हैं इस राधा बाग की दिव्य यात्रा पर। सर्वप्रथम यहाँ कुछ नियम लिखे हुए हैं, वो नियम मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ दीवार पे कुछ नियम लिखे हुए हैं राधा बाग के अंदर जाने के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आइए अब हम और आप प्रवेश करते हैं श्री राधा बाग में। जय हो राधा रानी। अब हम पहुंच गए हैं राधा बाग में और सर्वप्रथम मैं आपको दर्शन कराऊंगा। यहाँ एक अति प्राचीन बरगद का वृक्ष है जो कि अपने आप में बड़ा दिव्य है। सर्वप्रथम इसके दर्शन आपको कराते हैं। ये बहुत ही प्राचीन बरगद का वृक्ष है, आप इसकी शाखाएं देख रहे हैं जो जमीन में जाती हैं। अद्भुत छटा हमारी किशोरी जी के राधा बाग की और अब हम जानेंगे यहाँ पूज्य ब्रजवासी ब्राह्मण हमें मिल गए, उनसे जानते हैं इस स्थान के विषय में कि यहाँ क्या स्थान की महत्वता है, क्या यहाँ लीला है। आइए हमारे साथ महाराज जी। राधे राधे। इस स्थान की क्या महत्वता है, इसको राधा बाग क्यों कहा जाता है? राधा बाग से पहले तो आपको पहले बरसाना को जानना पड़ेगा जी। पहले आप बरसाना के बारे में जानेंगे तब राधा बाग के बारे में समझ पाएंगे जी। तो बरसानो जानो नहीं रटो न राधा नाम, तो तेने जानो कहा या ब्रिज को तत्व। तो बरसाना जो है ब्रिज का मुख्य हृदय है। जैसे शरीर के अंदर एक हमारा हृदय जो होता है हार्ड है, ऐसे ही इस ब्रिज भूमि में ब्रिज 84 को उसके अंदर बरसाना हार्ड है इसका। महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बताई, जैसे शरीर के अंदर जीव का हृदय होता है उसी प्रकार अगर 84 को उसकी बात करें तो श्रीधाम बरसाना ऐसे समझो जैसे जीव के अंदर हृदय होता है, ऐसे ही 84 को उसमें हृदय स्वरूप श्रीधाम बरसाना है जैसा कि महाराज श्री बता रहे हैं। तो बरसाना जानो नहीं रटो न राधा नाम, तोते ने जानो कहा या ब्रिज को तत्व। सबसे पहले हमें ब्रिज भूमि में अगर एंट्री करके पता पाड़ना है सब कुछ सहज पता पड़ जाएगा, लेकिन अगर हम बरसाने को इससे किनारा कर दें या अगर राधा नाम को इससे किनारा कर दें तो इस ब्रिज के अंदर कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहता। तो बरसाने के पास की आस करें सिर्फ शेष और या की महिमा को कहे या कृष्ण धरे सकी वेश। जितने भी हमारे 84-33 करोड़ देवता हैं वो सभी ये आशा करते हैं कि हमको बरसाने में वास मिले और हम बरसाना रहें, बरसाना की लीलाओं का अनुकरण करें, बरसाना की लीलाओं देखें, बरसाना की लीलाओं में सम्मिलित हों। उसी क्रम में आप यहाँ बरसाना में ही एक श्री जी राधा रानी के मंदिर के पीछे ही है जिस स्थान का नाम है राधा बाग। यहाँ राधा बाग जो है राधा रानी का खेलने की स्थली है। जैसे वृंदावन में निधि वन है इसी प्रकार बरसाना में दो वन है जहाँ मैन प्रिया जी रोज डेली अपनी सखियों के साथ विचरण करती है। आज भी जिसमें प्रथम है हमारा राधा बाग और दूसरा नंबर है गैवर वन। गैवर वन और राधा बाग यहाँ पर प्रिया जी अपनी सखियों के साथ नित्य प्रति खेलने के लिए आती है और ये लीला खेलने की भूमि है। यहीं पर एक कूप है राधा बाग के अंदर ही, उसका जल आज भी आसपास के सब कुएं सब खारे हैं और कुछ सूख भी चुके हैं जी। लेकिन ये एक कुआ एकमात्र ऐसा कुआ है जिसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक है और अनंत अनेक प्रकार की बीमारियों ना जाने क्यों श्री जी के आशीर्वाद से
ये सबको उसमें लाभ दे रहा है। अच्छा हाँ, जैसा कि महाराज श्री बता रहे हैं कि इस राधा कूप के पानी को पी करके अनेकों रोग जीवों के नष्ट हो जाते हैं, ऐसी हमारी किशोरी जी की कृपा है। महाराज जी अब हमारे भक्तों को एक बार उस रास मंडल की भी आप दर्शन कराएं। आई राधा बाग में हमें दो दिव्य वृक्ष मिले, अब महाराज जी पूछते हैं इनके विषय में। महाराज ये कौन से वृक्ष हैं? देखो ये वृक्ष वो है, ये उद्धव स्वरूप है जी। जब ब्रज में सभी देवताओं की जब देवता भगवान श्याम सुंदर का प्रागट्य हुआ तो सभी देवताओं ने ये इच्छा जाहिर की कि हम भी आपके सान्निध्य में आए, तो उनमें एक सखा थे उद्धव, तो उद्धव जी ने भी भगवान से प्रार्थना की प्रभु के हमको भी अपने सान्निध्य में रखिए। तो बोले ना ना ना, मैं अपने सान्निध्य में किसी को नहीं रखूंगा, अगर आपको रहना है तो मैं आपको जड़ रूप में बना देता हूँ। जैसे ब्रह्माचल पर्वत है बरसाना में, ब्रह्मा जी स्वरूप जो है वो जड़ रूप से विराजमान है, जिसके चार मुख हैं दानगढ़ मानगढ़ बिलासगढ़ मोरकुटी। ये चार मुख ब्रह्मा जी हैं वो यहाँ विराजमान है, उसी में राधा बाग में जो स्थित हैं इनका नाम है तमाल वृक्ष। तमाल ये है तमाल जी। तमाल तो उद्धव को एका पूछा मुझको कुछ बनाओगे, तो भगवान ने उद्धव जी को तमाल रूप में तमाल रूपी लता बनाया। वो लता के वृक्ष हैं, ये बड़े दुर्लभ हैं और इनके हर जगह प्राप्त नहीं होते दर्शन। हमारी किशोरी जी को बड़े प्रिय हैं ये वृक्ष जी, ये और कदम्ब दोनों जी। हाँ। ये दोनों वृक्ष जो आप दर्शन कर पा रहे हैं ये उद्धव स्वरूप हैं, जो यहाँ राधा बाग में विराजमान है भगवान की लीला देखने के लिए। आइए महाराज जी के साथ चलते हैं उस दिव्य रास मंडल की तरफ, जहाँ आज भी हमारी किशोरी जी नित्य रास किया करती हैं, परंतु इन साधारण आँखों से देखना संभव नहीं है। अगर वो आंखें प्राप्त करनी है तो भक्ति महारानी का सहारा आपको निश्चित रूप से लेना पड़ेगा, तब वो दिव्य चक्षु आपको प्राप्त होंगे और भगवान की उन लीलाओं का आप अनुभव और दर्शन प्राप्त यहाँ कर पाएंगे। ऐसा दिव्य स्थान श्री राधा बाग हमारे श्री धाम बरसाना में स्थित है। सर्वप्रथम मैं ब्रज महिमा भक्त परिवार की तरफ से इस दिव्य स्थान को प्रणाम करता हूँ। जय हो लाडली लाल की। महाराज जी इस स्थान के विषय बताएं। हाँ देखिए, बोलिए राधा रानी की जय। ये राधा बाग का जो बरसाना का मुख्य स्थल है राधा बाग, राधा बाग का भी जो मुख्य स्थल है अंदर वो इसको हम बोल रहे हैं बाटका। बाटका के अंदर रास मंडल स्थित है, जो आज से 5,500 वर्ष पहले जमुना पुलिन के रूप में था जी। पास में ही सामने जमुना जी बहती थी यहाँ, और ये जमुना पुलिन था। यहाँ किशोरी जी अपनी सखियों के साथ आकर के खेलती थी जी। वही स्थान आज भी यहाँ स्थित है। अब फिलहाल तो ये ग्रेनाइट वगैरह से लगा दिया है, और जमुना जी भी हमारी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हो गई। स्थान बहुत प्राचीन है, मगर आधुनिकता के चलते इसको सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है ग्रेनाइट लगवा करके, पर स्थान वही है। इस चीज में कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, ये वही दिव्य स्थान है जहाँ आज भी हमारी किशोरी जी हमारे श्याम सुंदर के साथ नित्य रास किया करती है। अभी राधाष्टमी के तुरंत जन्म के बाद यहाँ पे बूढ़ी लीला के नाम से लीला होती है, जो 8 दिन इनका प्रोग्राम चलता है, और ये उसी समय की लीला है जो 5,500 वर्ष पहले भगवान जब जब भी बरसाना आए तब तक जनाने रूप में ही आए, क्यों यहाँ मर्दाने की एंट्री नहीं है। तो इस बरसाना में आए कभी लिल्यारण, कभी मल्यारण, कभी सुंधारण, और उसी में एक रूप है इनका योगिनी का, यानी योगिनी रूप रख के आए। तो योगिनी रूप जो रखी तो उस समय बिलासगढ़ पे इन्होंने तप किया था ठाकुर जी ने, और माँ प्रिया जी से मुलाकात की थी। राधा बाग में वही स्थान है जहाँ पे प्रिया प्रीतम 5,000 वर्ष पहले जहाँ बैठे थे, उन्हीं स्थानों को आज थोड़ा सुंदर बना दिया गया, बना करके। तो उसी एक स्थान में से ये स्थान है जो आप देख रहे हैं, ये राधा बाग का रास मंडल है। यहाँ कामवर्धन लीला होती है और महारास होता है। ब्रज की लीलाओं में काम का प्रवेश नहीं है, जैसा कि महाराज श्री हमें बता रहे हैं, यहाँ केवल गोपी भाव से ही ठाकुर की लीलाओं में प्रवेश किया जा सकता है। बहुत सुंदर जानकारी आपने महाराज जी दी। और देखो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, कहने को तो कुछ भी कह सकता है कोई, लेकिन आंख खोल करके किसी चीज को नकारना ही बहुत कड़ी बात है। आप इस रास मंडल पर फोकस करिए,
इसके बीच सिंहासन पर पत्थर में देखिए, इसमें एक छवि स्थापित है प्रिया प्रीतम जी की। देखिए, जैसा कि महाराज श्री बता रहे हैं, सिंहासन के बीचों बीच आपको एक दिव्य आकृति यहाँ दिखाई देगी, जो बनाई हुई नहीं है, स्वयं प्रकट है। भगवान की ऐसी अनेकों लीलाओं के चिन्ह आज भी ब्रज में मौजूद हैं। महाराज जी ने बहुत सुंदर दर्शन कराए। भाद्रपद शुक्ला पूर्णमासी के दिन यहाँ लीला होती है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपको उन सभी दिव्य लीलाओं के भी दर्शन कराएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए उन दिव्य लीलाओं को देखने के लिए। अब चलते हैं महाराज जी के साथ, उस दिव्य कूप के भी आपको दर्शन कराते हैं, उस राधा कुआ के भी आपको दर्शन कराएंगे, जिसका जल अमृत के समान है और कई असाध्य रोगों में आज भी कितने ही भक्त ऐसे हैं, कितने ही जीव ऐसे हैं जो राधा कूप का पानी पी करके अपनी बीमारियों को यहाँ ठीक किया है। ऐसी हमारी किशोरी जी की कृपा बरसाना धाम में निरंतर बरस रही है। अब हम पहुंच गए हैं उस दिव्य कुएं के पास, जिसको राधा कूप कहा जाता है, जो कि श्रीधाम बरसाना के अंतर्गत राधाबाग में स्थित है। तो जानते हैं महाराज जी से इस कूप के विषय में। एक बार सर्वप्रथम नजदीक से कुएं के दर्शन कराइए, ताकि सभी भक्त दर्शन इस चीज का अच्छे से प्राप्त कर सकें। ये देखिए आप उस दिव्य राधा कूप के दर्शन कर रहे हैं, जिसका जल आज भी अमृत तुल्य है और यही जल हमारी किशोरी जी की नित्य सेवाओं में प्रयोग किया जाता है। महाराज जी, इस कुएं के विषय में आप कुछ बताएं। ये कुआ, इसको तो कुआ क्या कहें, ये समझो किशोरी जी की कृपा का भंडार है। किशोरी जी की कृपा ही है ये, जिसमें जो जल है वो दिव्य जल मानी है इसकी। एक जल तो ऐसा होता है केवल एक ही चीज पे काम करता है, लेकिन पता नहीं इस जल के अंदर क्या किशोरी जी की कृपा ही मानी जाए। कृपा ही है महाराज, कृपा ही है ना। तो ये इतना मधुर है जिसको कहा जाए बहुत मीठा है जी, और ना ये खारा है इसको कहा जाए खारा है। ये ऐसा जल है जिसका कोई स्वाद ही नहीं है जी, यानी जैसा महसूस करो वैसा ही महसूस होने लगे जी, और जिसका वैसे स्वाद अगर देखा जाए तो दूध जैसा स्वाद है इसका जी। और ये अनेक बीमारियों में ना जाने भक्तों का विश्वास है या इस जल का चमत्कार है या किशोरी जी की कृपा कहेंगे, ये सभी रोगों में एक दवा का काम कर रहा है वर्तमान में जी। और लोग श्रद्धालु या बड़ी बड़ी दूर से आते, हम तो ब्रजवासी यहीं रहते हैं, रोज पीते खाते, लेकिन उनके द्वारा इसकी जब महिमा सुनते हैं तो हमको और भी आश्चर्य होता है कि इस पानी में इतने गुण हैं जो हमको भी नहीं मालूम। महाराज जी यहीं रहते हैं और कई भक्त आकर के जब महाराज जी को बताते हैं कि महाराज जी हमें ये बीमारी थी और इस कुएं के जल को ग्रहण करने के बाद हमें उसमें इतना लाभ हुआ, तब महाराज जी को इस चीज़ का पता चलता है कि इस जल में क्या दिव्यता है। हाँ, भक्त लोगों के द्वारा ही यहाँ पर जानकारी होती है। हम तो डेली, अब यहीं पर पास में लक्ष्मी नारायण जी है जी। ये लक्ष्मी नारायण जी है, लक्ष्मी नारायण जी बोल रहे हैं यहाँ तीन वृक्ष एक साथ हो, उनके भी दर्शन कराइए। हाँ, यहाँ तीन वृक्ष एक साथ हों, बाकू बोल रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी। हाँ, याकू जिसमें तीन वृक्ष में पीपल जी, समी जी, और नीम, इन तीनों की जड़ एक ही जगह एक ही स्थान पर विराजमान हो, बाकू ब्रह्मा विष्णु महेश को वैसे मानो जाए और लक्ष्मी नारायण को बोलो जाए प्रचलन में जी। यहाँ ये तीन वृक्ष हों वो पूजा स्थल है और वहाँ लक्ष्मी नारायण जी निवास कर। बहुत ही सुंदर दर्शन है, एक बरसाना में एकमात्र स्थल है ये भी, आपको और कहीं नहीं है। पूरे बरसाना में आपको ऐसे दर्शन कहीं प्राप्त नहीं होंगे जैसा कि आप यहाँ राधाबाग में दर्शन कर पा रहे हैं। तीनों वृक्ष एक ही तने से प्रकट हैं, समी वृक्ष, पीपल वृक्ष और नीम का वृक्ष, जिनको यहाँ हमारे ब्रजवासी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मानते हैं। बाग के अंदर ही
श्री हनुमत लाल जी के बहुत सुंदर दर्शन है। आइए हम और आप दर्शन करते हैं श्री हनुमत लाल जी के। जय हो मेरे बजरंगी प्रभु की। जय हो हनुमत लाल जी। और महाराज जी से जानते हैं इस स्थान के विषय में, इन हनुमान जी की क्या महत्वता है। आइए। बोले राधा रानी की जय। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये बाल हनुमान है जी, और अब तक आपने जहाँ भी दर्शन करे होंगे वो करे होंगे राम जी के हनुमान जी। कौन के हनुमान? राम जी के। राम जी के हनुमान। लेकिन जो यहाँ ये बैठे हैं ना, जाजना से राधा बाग बना है और जिस दिन से लीला हुई है उसी दिन से ये हनुमान जी बाल स्वरूप में आके यहाँ बैठ गए। लेकिन एक बहुत बड़ी कृपा इनकी ये है कि कभी किसी के कोई माँ बहन ऐसी हो, बेटी हो, जिसकी गोदी सूनी हो, अगर वो आकर के इनको दमन करे और अपनी सिद्धा से केवल सिद्धा पुष्प संकल्प करे, कोई भेंट आदि की कोई यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि जिसको यहाँ पे ये करके बुक करना होता है या ऐसा करना होता है वैसा करना। दो पुष्प हाथ में लेके संकल्प कर ले, उसको लेकर के जल लेके अपने मन में संकल्प करे और बस हनुमान जी के सामने छोड़ दे। संकल्प पूरा होने के बाद यहाँ पे उपस्थित ब्रजवासी और यहाँ पे बैठे देवता जो बैठे ही हैं हनुमान जी, उनको भू लगा करके और ब्रजवासी इनको बस लड्डू खिला जाए और राधा रानी की जय। और यहाँ को कोई कछु ना आवश्यकता है का है। इनके हमारे क्षेत्र में एक नहीं हजारों गोपाल खेल रहे हैं। ऐसे हजारों प्रमाण महाराज जी ने बताए कि ये बाल हनुमान जी ऐसे सिद्ध हनुमान जी हैं कि जिस भी माता बहन की गोसूनी है वो यहाँ आकर के पूरी श्रद्धा भाव से दो पुष्प हाथ में लेके जल लेकर के हमारे हनुमान जी महाराज के सामने संकल्प कर ले तो बस हनुमान जी महाराज उसकी गोद भरते हैं। बहुत सुंदर महाराज जी। अब आपको दर्शन कराते हैं यहीं विराजमान एक और दिव्य स्थान के, जहाँ श्री भोलेनाथ जी हमारे विराजमान हैं। आइए हमारे साथ। ये यहाँ राधा बाग में स्थित बाबा विश्वनाथ यहाँ विराजमान हैं साक्षात अपने परिवार के सहित। भगवान की लीलाओं में बाबा भोलेनाथ अवश्य सम्मिलित होते हैं और हर लीला में आपको बाबा विश्वनाथ के दर्शन यहाँ होंगे। उसी श्रृंखला में यहाँ राधा बाग में भी आप यहाँ दर्शन कर पाते हैं श्री भोले बाबा के। आज हमने आपको दर्शन कराए श्री धाम बरसाना के अंतर्गत आने वाले राधा बाग के, और यही हमारी किशोरी जी का दिव्य बाग है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम राधा बाग पड़ा। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।